तो हरिद्वार में लगातार ये जो शराब कांड है वो गरमाया हुआ है। ग्राम पंचायत शिवगढ़ के लोग शराब कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेंद्र कुमार के समर्थन में भी उतर आए हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर धरना दिया और ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि सभी प्रत्याशियों ने शराब बांटी थी, लेकिन पुलिस ने केवल विजेंद्र कुमार को ही क्यों आरोपी बनाया। ग्रामीणों ने ज्ञापन में सभी प्रत्याशियों को आरोपी बनाने की मांग की है। देखिए, इस पर अलग तरह की सियासत हो रही है। पंचायत में चार गांव आते हैं सर, गोविंदगढ़, फूलगढ़, शिवगढ़, दुर्गागढ़। तो सर, ये तीन गांव में जो जहरीली शराब का कांड हुआ है उसमें कुछ लोगों की जान गई है सर। कुछ उसमें बुजुर्ग भी थे जो ज़्यादा पीते थे, सभी प्रत्याशी पिलाते थे सर। नौ कैंडिडेट खड़े हुए हैं। तो सर, ये जो थे विजेंद्र जी पहली बार राजनीति में आए हैं और उसमें आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन गाँव वालों के मतलब सहयोग से वो आ गए हैं उसमें। तो दूसरे जो प्रत्याशी सोच रहे थे कि भाई इस बार जीत ना जाए, तो उन्होंने सर ये कांड रचा है। मेरी ये मांग है कि जब ये सभी कंडक्टर दारू पिला रहे थे तो विजेंद्र का इसमें अकेले का क्या कसूर है? फंसने चाहिए तो ये सारे ही फंसने चाहिए, नहीं तो उसे आज़ाद कराओ, उसे कि बिना मतलब के ही फांस कर फांसी के फंदे तक लटकाने की कोशिश कर दी। हमारी मांग यह है कि विजेंद्र, चलो एक बात मैं मान रही हूँ, विजेंद्र कसूरवार है और सभी कसूरवार है, तो अगर जेल जाएंगे तो सभी जाएंगे, अकेला विजेंद्र जेल नहीं रहेगा, ठीक। और एक मांग मेरी जनता की भी है और मेरी भी है, मांग मेरी यह है कि बबलिका और नरेश का नाम कटना चाहिए, वे आजाद होने चाहिए, बबली का पर्चा रद्द नहीं होना चाहिए। तो इस पर अलग तरह की सियासत है, इसे चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हरिद्वार में पंचायत चुनाव भी हैं, आप जानते हैं। जानकारी ले लेते हैं, इंतजार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इंतजार एक नए तरह की पॉलिटिक्स भी इसमें दिखाई दे रही है। लोग एक आरोपी को बचाना चाहते हैं क्योंकि कुछ और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, और जनता के जनमानस के जहन में जो बातें हैं उसमें एक चुनाव भी इस बीच में आ रहा है। क्या वाकई इस शराब कांड के पीछे जो लोग हैं उनके साथ इलेक्शन भी जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल पारुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा, जो शराब कांड है इस वक्त हरिद्वार का नहीं पूरे उत्तराखंड का चर्चित कांड बना हुआ है, शराब कांड, जिसमें लगभग 11 लोगों की जान जा चुकी है और भी जो लोग हैं वो जो इस बीमारी शराब कांड की जो सेवन से यहाँ जूझ रहे हैं और अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। तो वहीं पुलिस के द्वारा जो प्रत्याशी है, एक बबली नाम की एक प्रत्याशी थी जिसके नामांकन पत्र को लेकर उसको खारिज किया गया और उसके जो पति है उनको मुख्य आरोपी के रूप में यहाँ पर गिरफ्तार यहाँ किया गया है। इसको उसके द्वारा खासकर पहले ही बताया गया था गिरफ्तार होने के बाद कि जो ये दारू थी, ये जो शराब थी, ये 6 महीने पहले हमारे द्वारा बना करके इसको तैयार किया गया था और इसको चुनाव में लोगों को पिलाने के लिए देने के लिए इसको स्टोर कहीं पे किया गया था, जिसके वजह ये शराब जो है जहरीली हुई और लोगों की यहाँ पर जान चली गई। वहीं लेकर इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी को और इसके खिलाफ संबंध धारा में मुकदमा दर्ज किया है। तो वहीं लोग जो हैं, जो शिवगढ़, फूलगढ़ और दुर्गागढ़ तमाम इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो इन आरोपियों के पक्ष में जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट का उन्होंने घेराव किया। यहाँ लगभग ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर लगभग 500-600 की तादाद में यहाँ लोग पहुंचे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं जिस वक्त ये लोग यहाँ पहुंचे हुए थे उस वक्त जिलाधिकारी पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए और वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा मुहैया कराने के लिए जिले के तमाम अधिकारी, चाहे वो स्वास्थ्य अधिकारी हों, चाहे समाज कल्याण के अधिकारी हों, चाहे परियोजना निदेशक हों, तमाम अधिकारियों को लेकर के वहाँ उस क्षेत्र का दौरा कर रहे थे कि उन्हें किसी तरह कोई परेशानी न हो। तो वहीं अगर हम इन जो यहाँ लोग धरने के रूप में यहाँ लोग आए थे उनकी अगर हम बात करें तो उनकी तरफ साफ तरीके से कहा गया है कि जो आरोपी बनाए गए हैं विजेंद्र कुमार उनको जो है आरोप मुक्त किया जाए और जो उनकी पत्नी है बबली, जिनका दो अन्य आरोपियों के नाम में उनका भी नाम यहाँ पे दर्ज किया गया, उनका इसे जो केस है इससे उनको हटाया जाए और उनका जो नामांकन पत्र है उसको निरस्त नहीं किया जाए, उसको स्वीकार किया जाए, उनको चुनाव लड़ने की जो अनुमति यहाँ पर दी जाए। लेकिन प्रशासन की तरफ से किस तरह की कार्रवाइयां की जानी है, चूंकि तीनों आरोपी हैं, एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, दो आरोपी फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है, तमाम जो सुरक्षा सुविधाएं हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो वहां पर अलर्ट की गई हैं। तो इस तरह के जो माहौल है, एक तरफ अगर देखा जाए कि लोगों की सुरक्षा के भी जिम्मा प्रशासन के ऊपर है, वहीं जो चुनावी माहौल है ताकि इस तरह से जो इस तरह का जो जुलूस टाइप के जो धरना टाइप के लोग यहाँ पर पहुंचे तो एक चुनावी हथकंडा भी इसको बताया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इंतजार जानकारी के लिए।